ने बोला था स्केप्टिक, कि वो वेलकम, कैसे हैं हाँ आप? हेलो हाजी साहब, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास ना हो, आप सुनाइए क्या हाल चाल है। मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं कभी कभार कुछ कुछ मुफ्तियों की वीडियोस देख लेता हूँ, मेरे घर वाले मुझे भेज देते हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ सवालात मेरे दिमाग में आते हैं। सो गालिब साहब से मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, तो गालिब साहब ने मुझे एंड्रू टेट और जॉर्डन पीटरसन का फैन बोल के और मुझे किक आउट कर दिया था। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे जो मैनेशियल रेप होता है, राइट? सो जैसे आप ह्यूमैनिस्ट प्रस्पेक्टिव या ह्यूमैनिस्ट वर्ल्ड व्यू से आप लोग क्या समझते हैं? मैं मैरिशल रेप को मैं गलत समझता हूँ, लेकिन इससे लॉ से रिलेटेड जो सवाल है कि क्या मैरिशल रेप लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट कांट बी प्रूव एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रूव कि किसी लड़की का मैरिशल रेप हुआ था। एंड वॉट इफ की कोई लड़की अपने विजेंस के चक्कर में एक लड़के को फंसा दे, इफ ही इज इनोसेंट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। आप मैरिटल रेप का कह रहे हैं? मैरिटल रेप का ये मतलब है कि दो शादीशुदा लोग हैं, मैरिटल रेप की ये डेफिनेशन है, शादीशुदा लोग हैं और बीवी जो है वो सेक्स नहीं करना चाहती और उसको जबरदस्ती उसका हस्बैंड जो है उसको फोर्स करता है। जी ये अगर ये चीज होती है तो ये बहुत से कंट्रीज में अब लॉज पास हो गए हैं कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कंसेंट बहुत जरूरी है दूसरे इंसान की, क्योंकि इंसान सब बराबर हैं और उनके कंसेंट के बगैर आप सेक्स किसी से नहीं कर सकते। तो मुझे उनका एग्जैक्टली उनकी पनिशमेंट का नहीं पता, लेकिन यू कैन टेक दैट पर्सन टू कोर्ट और गेट ए यू नो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और वट एवर, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं करते। तो इधर मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नेवर सीन ये मैरिटल रेप केसेस टू कम टू कोर्ट और ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन आप जो इस्लाम में है कि कोई चीज ये तभी मैरिटल रेप का लॉ पास नहीं करने देते पाकिस्तान में, क्योंकि हस्बैंड का एब्सोल्यूट राइट है कि आपने अगर हक मेहर ले लिया है तो आप जो मर्जी, आपकी मर्जी है, ये योर बॉडी इज नॉट योर्स, राइट? क्या नहीं, लेट्स पुट इट दिस वे मोमो, लेट्स पुट इट दिस वे। नहीं, एक सेकंड, आपने आपने निकाह कर लिया है, यानी कि आपने चोदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब आप इनकार नहीं कर सकती। इनकार नहीं कर सकती अगर आपकी कोई नहीं, एक वैलिड सेकंड, रीजन ना हो, लेट मी कंप्लीट। इफ यू आर मैं नॉट। ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मैरिशल रेप को गलत समझता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लॉ के और प्रूफ के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको प्रूफ किया जा सकता है। आई मीन इट्स नेक्स्ट ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। उनके पास अगर कोई इस तरह का कोई कपल जाता है, तो उनके पास जरूर कोई सर्कमस्टांसेस एविडेंस हो गए जिनसे वो प्रूव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये तो कोर्ट के ऊपर है और या उनके केस के ऊपर है, ठीक है। हम बाहर बैठ के इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ ये लॉ होने की वजह से ये कभी प्रूव होगा या नहीं होगा। ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि हाउ दे ब्रॉट इट आउट, ठीक है ना। हाउ मतलब कि क्या नाम है, ये किस तरह ये केस आगे बना के पेश किया गया है। सो ये क्या नाम है, इसका आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई बहस करनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये मेरे ख्याल में, मैं अभी भी वही सेम बात दोहराऊंगा कि ये आपके एविडेंस के ऊपर चलता है, आपके मतलब के केस के ऊपर बनेगा कि आपका केस कितना स्ट्रांग है और क्या आप क्या कि मतलब के वाकई में सच है या नहीं है। ये सारा कोर्ट के ऊपर चला जाएगा कि वो उसको किस तरह देखते हैं। और हमें अच्छा, ज्यादा मेरे मालूम इस बात के बाद मालूम नहीं है हमें, अदर देन के हर इंसान को कंसेंट देना एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि उसको फोर्स ना किया जाए किसी ऐसी फिजिकल चीज में। मेरा और दो सवाल है आपसे। सो एक और सवाल है रिगार्डिंग एबॉर्शन, राइट? हम अगर एक सिनेरियो मान लेते हैं कि टू अडल्ट्स हैं, ठीक है, और उन दोनों ने प्रोटेक्शन लगा के और इंटरक्रॉस किया, राइट? एंड ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस लड़की प्रेग्नेंट हो गई, राइट? एंड जो मर्द है, जो मेल है, वो कह रहा है दैट प्लीज अबॉर्ट द चाइल्ड, लेकिन लड़की बोल रही है कि उसको चाइल्ड को अबॉर्ट नहीं करना। द रीजन बींग मर्द बोल रहे कि उसको चाइल्ड को अबॉर्ट करना है, और ये सेक्स करने से पहले भी ये डायलॉग हो चुकी थी दैट वी डोंट नीड एनी बेबीज, राइट? सो अगर मर्द लड़की को ये कह रहा है कि अबॉर्ट कर दो चाइल्ड, और लड़की नहीं कर रही है, तो इस केस में जो चाइल्ड कंपनसेशन होता है, जैसे जो बच्चा पैदा हो जाता है, सो उसको मर्द को भरना तब भी जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चा था वो तो मर्द के विल से नहीं था, और जो बच्चा आया तो एकदम लड़की के बिल से आया। लड़की ने जबरदस्ती उस बच्चे को लाया, स्टिल लड़के ने का इंसिस्ट भी किया कि मत करो क्योंकि ये कंसेशन नहीं था। सो इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? मेरा ओपिनियन है कि औरत का राइट है कि वो अगर शी वांट्स टू टेक द प्रेगनेंसी टू टर्म इट्स हर डिसीजन, उसकी सारी लाइफ इफेक्टेड होगी। चाइल्ड सपोर्ट बहुत छोटी सी चीज़ है,
अगर वो ऐसे ये डिसीजन कर रही है, सारी उम्र उसको अपने बच्चों को टाइम देना होगा, उसको पालना होगा, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर बाप चाइल्ड सपोर्ट दे तो कुछ कोई चीज नहीं है, उसको सेक्स करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये रिस्क है, लेकिन इसका राइट हमेशा औरत का होता है। इसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे सेक्स करने के? या तो आपने अगर वो अपना आपने कहा कि जी वो कंडोम यूज कर रहे थे, वो किसी वजह से ब्रोक हो गया है, लेकिन कंडोम के ऊपर ये तो नहीं कहीं पे लिखा होता है कि क्या कहते हैं कि अगर ये ब्रोक हो गया तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि आप कंडोम चढ़ा के भी अगर सेक्स कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि आप क्या नाम है अगला बंदा प्रेग्नेंट हो सकता है। मतलब कि उसके जो जो क्या नाम है इसका अपना जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अपना अल्टीमेटली सेक्सुअल रिलेशनशिप के, आप किसी कहीं भी बैठे हुए हैं अपना आपके किसी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, आपके पास कंडोम अवेलेबल नहीं है और आप उस वक्त या उस लम्हे में आप आगे चले गए हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, देन व्हाट? नहीं, हम दोनों ने जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट कर लिया था दैट वी डोंट नीड एनी बेबी, एंड मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने नहीं किया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दो लोग ने कर लिया था, ठीक है, कि वी डोंट नीड एनी बेबी, लेकिन फिर प्रेग्नेंट हो गई लड़की, अब लड़की का मूड ही नहीं है बच्चे को अबॉर्ट करने का, राइट, और वो जो मेल हो वो तो एकदम मतलब उसका दिमाग खराब हो कि अब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुझे चाइल्ड कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कि उसके विल के अगेंस्ट है। सो इसमें क्या लड़की आपने अगर देखें, अगर आपने घर घर जला दिया किसी का, लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है इधर, और आपका आपने गलती की है, आपसे घर जल गया है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं स्टिल, इट डजंट मैटर कि आप कह रहे हैं कि इस घर में ना रहो, आपने घर गलती से जल गया है या घर जानबूझ के जलाया गया है, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि आप जो एक्ट करने जा रहे हैं उसका अल्टीमेट जो उसके रिजल्ट है वो प्रेगनेंसी है। सर मेरा जैसे कि एग्जांपल कि एक उस मर्द उस लड़की का कंसेंट हो चुका था दैट वी डोंट नीड एनी बेबी और उन्होंने प्रोटेक्शन भी यूज किया था, लेकिन अच्छा, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो उसकी दोनों रिस्पांसिबल हैं, माँ जो है वो उसका कम्प्लीटली खाली उसका राइट होता है कि वो अबॉर्शन करे या ना करे, वो अबॉर्शन को हो सकता है गलत समझती हो या कत्ल समझती हो और नहीं करे, उसकी मर्जी है, लेकिन आपने मर्द ने सेक्स करके ये रिस्क ली थी और द रिस्क डिडंट पैन आउट, आप कि आपको अब देना पड़ेगा। आई नो पीपल पर्सनली जिनको ऐसा जिनके साथ हुआ है, उनको चाइल्ड सपोर्ट देनी पड़ती है, शादी हो या ना हो, इधर चाइल्ड सपोर्ट देनी पड़ती है आपको अगर आपने बच्चा पैदा किया है। आप एक कार में बैठे हैं, आपने ये चाहते हैं कि क्या आप कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वो कार किसके अंदर जा लगी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप नहीं भी चाह रहे हैं क्योंकि आपने, अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो हादसा और कोई बंदा मरे तो आप कार ही ना चलाएं फिर। इफ नहीं, सर इसका आप, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बात को हम लंबी बना रहे हैं, सिंपल एज इट इज कि जब आप किसी किस्म का कोई रिस्क लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसके दो रिजल्ट निकल सकते हैं और एक उसमें से रिजल्ट आपको पसंद नहीं है, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज यू, आई मीन यू स्टार्ट डूइंग इट। अब एक औरत ने आपको कहा है कि ठीक है भी मैं आपके साथ मतलब कि मेरा आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, मैं ही बच्चा नहीं चाहती हूँ, लेकिन यकदम किसी वजह से बच्चा मतलब को हो गया है और वो औरत का ख्याल बदल गया है, मतलब कि एज ए माँ वो नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को गिराए, तो वो नहीं गिराएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो उसको प्रेग्नेंट करने का रिस्पॉन्सिबल है वो ही इज लायबल टू बिकॉज ही वॉज अ पार्टनर इन इट। एक और कॉलर आए थे हमारे, वो आर्ग्यू कर रहे थे कि टीनेज सेक्स क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल नहीं होता यंग लोगों को, कि लॉज जो हैं वो आर देयर टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, उस बच्चे का जो आएगा उसका कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, उसको द लॉज आर डिजाइन टू मेक श्योर कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अफेक्टेड ना हो और उसका बाप और माँ दोनों उसको सपोर्ट करें, इसलिए लॉ डिजाइन है ताकि बच्चा जाके होमलेस ना हो जाए। अगर वो औरत गरीब है तो आप उसको ज्यादा चाइल्ड सपोर्ट मिलेगी, अगर वो औरत के पास बहुत पैसा है तो उसको बहुत कम चाइल्ड सपोर्ट मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, ये डिसाइड करते हैं कि ताकि बच्चा जो है वो डेस्टिट्यूट ना हो जाए। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं, अपना
एक सेकंड, मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने आपसे तीन सवाल बोले थे, राइट? जी जी पूछिए। मेरा आपसे ये सवाल है, एक और सवाल है, ये फिलोसफी से रिलेटेड है, कि जैसे कोई ओमनीपोटेंट बीइंग होता है, राइट, दैट इट कैन डू एनीथिंग, सो मुझे आपसे ये जानना है कि किसी बीइंग का ओमनीपोटेंट होना क्या पैराडॉक्स होता है, कोई और कोई बीइंग ओमनीपोटेंट हो सकता है कि नहीं? जी मोमो जी बोलिए। आपने किया, सॉरी प्लीज फिर से आस्क करें। कोई बीइंग ओमनीपोटेंट हो सकता है कि नहीं? जैसे कि मेजर वर्ल्ड रिलीजन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में लोग समझते हैं कि उनका जो खुदा है, गॉड है, वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओमनीपोटेंट जैसा कुछ होता है कि भी नहीं, क्योंकि अभी कोई सबूत नहीं है कि कोई ऐसी चीज होती है जैसे ओमनीपोटेंट। एक सीम, इट सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि हर चीज जो इंसान कर सकता है या ओमनिशिएंट है या ओमनीपोटेंट है, तो अगर वो ओमनीपोटेंट है और ओमनिशिएंट है, इसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है। इट सीम्स टू बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ ए फॉलेसी टू मी कि वो हमें क्यों क्रिएट करेगा अगर उसके पास सब कुछ ऑलरेडी है, और इम्तिहान हमारे क्यों लेगा अगर वो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, तो खुद क्यों नहीं वो खुद कर सब कुछ कर लेता, हमें क्यों इस जिंदगी में ला रहा है। तो मुझे ये सब कुछ लगती हैं कि एब्स्ट्रैक्शंस हैं कि लोगों ने बनाई हुई हैं ताकि टू एक्सप्लेन अननोन थिंग्स, उनको जो समझ नहीं आती थी पुराने जमाने में। इसका सबूत मुझे अगर मिल जाएगा, अगर मेरे पास अल्लाह आ गया और मुझे सबूत मिल जाएगा, तो मैं जरूर मान लूंगी, लेकिन अभी मुझे ये कोई एब्स्ट्रैक्शन सी लगती है कि इन्फिनिट चीज जो आप बताते हैं ये असल में असलियत के साथ इन्फिनिटी जो है वो मैच नहीं करती, फ्रॉम व्हाट आई नो। नहीं, जैसे एथिस्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है, बहुत सारे एथिस्ट आर्गुमेंटेशन देते हैं, इवन मैं भी देता था, कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पत्थर, क्या खुदा कैसे पत्थर को बना सकता है जो वो कभी उसको उठा ना पाए, राइट? सो फिर इसमें मतलब जनरली एथिस्ट एग्जांपल देते हैं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब इस सवाल में पैराडॉक्स थोड़ा लगता है, पैराडॉक्स मतलब कि ये थोड़ा नॉन वैलिड क्वेश्चन लगता है। इट्स इजंट इट जस्ट लाइक आस्किंग कि क्या एक सर्कल में फोर साइड हो सकते हैं कि नहीं? आई जस्ट वांट टू नो। आई डोंट नो, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई सबूत नहीं है। आई डोंट हैव अ गुड आंसर फॉर यू। ट्रू कलर्स, आप कुछ कहेंगे इस बात में? देखें, जिस चीज का कोई सबूत नहीं है ना, उस पे बहस करना ऐसा ही है हवा में तीर मारना ना। तो जिस चीज का सबूत नहीं है, आप उसको एक चीज को इश्यू बना रहे हैं, तो ये स्टुपिडिटी है। नहीं, आपने तो मतलब कलाम आर्गुमेंट से आप वाकिफ होंगे, राइट? जी, कलाम आर्गुमेंट ये है, ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, उस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। हर दफा ये सिखा नहीं सकते हम आपको पूरी रीजनिंग, लेकिन बेसिकली कॉजलिटी का जो कहते हैं, कॉजलिटी मैं नहीं बोल रहा, मैं फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं। फाइन ट्यूनिंग की, फाइन ट्यूनिंग, तो यू नो उस पर फाइन ट्यूनिंग की क्या आप वर्बलाइज करेंगे, क्या आपका आर्ग्यूमेंट है? नहीं, मतलब कि हर चीज इतना पॉइंटली मेजर्ड है कि अगर उससे एक पॉइंट दो पॉइंट का भी अगर अंतर होगा, देन इट्स सेइंग कि जैसे बहुत सारी चीज होते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका वेट, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा भी पॉइंट का अगर डिफरेंस होगा, उनके एटम्स में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होगा, देन देयर आर हाई चांसेस कि कभी इस धरती पे अर्थ पे लाइफ होती ही नहीं। सो इसको फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहते हैं, राइट? सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इजंट इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इतना परफेक्ट सर्कमस्टांस में हम इस प्लैनेट अर्थ पे आ गए हैं, बिकॉज इट्स जस्ट सीम लाइक मैजिक, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट का भी कम ज्यादा होता तो हम मे बी इस धरती पे ना रहते, प्लैनेट पे ना रहते। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जो हैं, वो कहते हैं कि कुछ डिग्री से दे आर यू नो इन अ वेरी नैरो रेंज, लेकिन अगर नहीं होते तो आप नहीं बात कर रहे होते, और पहले ऐसी कंडीशंस नहीं थे, हर टाइम पे साथ चेंज होता रहा, राइट? आप कहें कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कोई कंडीशन नहीं था कि लाइफ एग्जिस्ट करे, अब एग्जिस्ट करती है, अभी कोई एक यू नो लाइक अ ट्रिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ ही डेथ हो चुकी होगी यूनिवर्स की, कोई काम नहीं हो सकेगा, कोई टाइम नहीं पास कर सकेगा, कोई एनर्जी जो होगी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और फ्री एनर्जी होगी नहीं, कोई आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ये कहना कि अभी का जो कंडीशन आपको मैजिकल लग रहे हैं, यू आर जस्ट गेटिंग अ यू नो लाइक अ स्नैपशॉट इन टाइम, हमेशा नहीं थे परफेक्ट, अब हैं,
हो सकता है कि कोई जो यूनिवर्सल लॉज अगर ऐसे नहीं होते तो यूनिवर्स कभी यू नो ग्रेविटी से कभी कोएलेस ही नहीं करता मैटर. दीज आर ऑल थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स. सम पीपल से कि मल्टीवर्स है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है कि हर कंडीशन जो पॉसिबल है वो दूसरी यूनिवर्स में पॉसिबल है. ये और सब इसमें आइस एज भी आई थी, वो भी खत्म हुई. परफेक्ट तो कोई चीज नहीं है ना, बिल्कुल हर चीज चेंज हो रही है. देखिए और... इस बात को अपना आप इस तरह ले सकते हैं कि आप जी रहे ओनली 60 years old, 60, 70, आप पूरे यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक, यूनिवर्स के टाइम के मुताबिक ये उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस सेकंड भी नहीं है, वो भी नहीं. ओह यस, इट्स अ ब्लिंक ऑफ एन आई, इट्स नॉट इवन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. मतलब कि ब्लिंक ऑफ आई करते भी आपको इतना टाइम लग जाएगा जितना कि फिर भी हमारा 60 अपना जो इयर्स हैं वो हम उसको वो नहीं देख सकते हैं. जब हम देख रहे हैं कि हमें पता चल रहा है चांद हमसे दूर जा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, सूरज की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी, ये डॉट्स तारे बन जाएंगे, वो मतलब कि क्या नाम है इसका, बिल्कुल बुझे हुए तारे बन जाएंगे, ठीक है. इस बात की हमारे पास प्रेडिक्शंस भी हैं और साइंस इस बात को प्रेडिक्ट करती है, और जितनी भी इस मामले में साइंस ने आज तक प्रेडिक्शंस की हैं वो बिल्कुल अपना ऑन, अपना क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्टली राइट ऑन द स्पॉट. नहीं हाजी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे अर्थ पे जितने सर्कमस्टांस है, जितने कॉन्स्टेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो अरेंजमेंट है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर का हाथ हो? आई जस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. ये तो अपना वो क्या नाम है, ट्रायल एंड एरर की बात कर रहे हैं नहीं. इवन जो रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, जो बहुत फेमस अमंग एथिस्ट सर्कल्स, हम इवॉल्व किए हैं, जो हमारे पास सामने चीजें मौजूद थी हम उसके तहत इवॉल्व हुए हैं. ये ना कहें कि इन चीजों की वजह से हम इवॉल्व हुए हैं, हम इवॉल्व हुए हैं इन चीज, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे पास था तो हमारे इस तरह की लाइफ बनी. अब कई ऐसी चीजें हैं जो समंदर के आखिरी अपना क्या नाम है तय में रहती हैं, जिनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, उनके आसपास क्या नाम है इसका, ये जो जहान की गैसेस है वो फट फट रही हैं और वो गैसेस में जिंदा है. तो हो सकता है, हो सकता है कि मतलब कि क्या नाम है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर कई किस्म की ऐसी जिंदगी मौजूद हो, ठीक है, जिनको जिनको अर्थली, जो अर्थ के ऊपर अपना चीजें आपको मिल रही हैं, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उनको उनकी जरूरत नहीं है. बल्कि वो क्या है अपना, जो अपना थ्रू द स्पेस भी सफर कर लेता है, वो कौन सा पोर्टल्स, वर्म होल्स अच्छा आप देखें स्केप्टिक, ये सब्सटेंशियल निग्रा और गालिब कमाल ने बड़ी अच्छी तरह के से फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया. हर एक इंसान के पास ये वोकैबुलरी नहीं होती कि आपको एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों ये ठीक नहीं है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट. आप जाके ये देखें वीडियो और आपको ये समझ आ जाएगी कि ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट इज नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लेट मी आस्क, मतलब इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया एवोल्यूशन का, राइट? So, हाजी साहब, आप, मैं इवोल्यूशन को मानता हूँ कि नहीं मानता, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इवोल्यूशन से ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि नॉन लाइफ से लाइफ आई वजूद में, जैसे कि पहले लाइफ नहीं थी, बस कुछ सर्टेन एलिमेंट्स थे. इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं गालिब के, उसके ऊपर क्या कहते हैं, गालिब ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया इसको. देखें उनको अभी साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट नोन येट. Exact mechanism of life कैसे start हुई, ये evolution is an absolute fact. उसके बाद जो organisms evolve हुए एक के बाद एक हमें सब नजर आता है genetic mix में. लेकिन first living creature कैसे आया, first cell कैसे form हुआ, there are theories about it. आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन exactly it's not proven yet. Origin of life is a very active area of research. हमारे NIH जो है National Institute of Health और NSF National Science Foundation बहुत फंड कर रही है रिसर्च बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में, और आए दिन उसमें डिस्कवरीज हो रही हैं कि कैसे सेल्फ असेंबल करती हैं जो लिपिड बायलेयर्स होती हैं, कि देयर आर थ्योरीज अबाउट कि कैसे चीजें अलग अलग हो गई, उधर आरएनए ट्रैप हो गया, उसके बाद रेप्लिकेशन शुरू हो गई. लेकिन एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड, you know, 4 billion years ago, nahi pata hame abhi. We have a pretty good idea.
we have pretty good idea, but we are yet to matlab ke kya naam hai discover how exactly happened. Hum apni labs ke andar usko kis tarah matlab ke apna reproduce kaam ko kar sakte hain aur wo ho jayega. Origin of life abhi pata theek se nahi hai, lekin this is a very active area of research. Usme bade bade millions of dollars ke program hai, idhar national jo funding agencies hain aur badi badi universities mein kaam ho raha hai aur bahut sa, you know, there's like some discussions about exactly which mechanism it happened. Lekin abhi hum kehen ke jo cheez hame nahi pata, is honest to say ke we don't know. That's exactly what Ghalib and Substantia Nigra say, ke we don't exactly. know exactly. You should say we don't know when we don't know, other than we saying don't know. I mean, uska ye matlab nahi ke uske piche khuda laga hua hai. आपको डिजाइन नजर आएगा, इंजीनियरिंग नजर आएगी, आपको एक फाइनल प्रोडक्ट नजर आएगा. ये नहीं नजर आएगा कि आपको हर चीज हर स्टेज में नजर आ रही है. वेरियंट्स आ रहे हैं, 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एक्सटिंक्ट. आपको जो स्टेबल है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और सारे जो स्टार्स जो थे जो कलाइड कर रहे थे, जो फॉर्म हो रहे थे, उनमें से जो स्टेबल थे वो सर्वाइव कर गए अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बाकी नहीं सर्वाइव किए. तो एवरीवेयर वी लुक वी सी रैंडमनेस एंड वी सी ट्रायल एंड एरर. दिस इज नॉट इंटेलिजेंट डिजाइन. इंटेलिजेंट डिजाइन इज यू सी द फाइनल प्रोडक्ट. अगर हम इंसान को सीक्वेंस करते और उनका जीनोम जो था कंप्लीटली यूनिक होता चिंपैंजी से, तो वी कुड से कि ये कंप्लीटली अलग से बनाया है. But what we see is progressive changes through all the different organisms. So, final product engineering mein final product banaya jata hai ya prototype banaya jata hai. Ye nahi hota ki aap takra rahe hain, cheezein randomly meet kar rahi hain aur uske se jo product ban raha hai, jo survive kar raha hai. Aapko pata hai main chemist hoon aur ye khali life aur space mein jo bodies hoti hain ye khali cheez nahi hai. Ye cheez मॉलिक्यूल्स में भी होती है कि जो मॉलिक्यूल्स स्टेबल उनकी एनर्जी स्टेट होती है वो सर्वाइव करते हैं, बाकी वो डिग्रेड कर जाते हैं. ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन शुरू से चला आ रहा है. ये ट्रायल एंड एरर पर मुबनी है, और ट्रायल एंड एरर इज नॉट इंटेलिजेंट डिजाइन. मैं आपको इंटेलिजेंट डिजाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ह्यूमैनिटी एवं साइंटिस्ट भी ये बात को कंसिडर करते हैं कि अभी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेवलप किए हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, मैं ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ. सो उनके स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट? और उनके स्ट्रक्चर्स को हम देख के ये बता सकते हैं दैट इट रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट डिजाइन, ओके, इंटेलिजेंट डिजाइनर, ओके. सो उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं. डजंट यू एग्री, राइट? कि हमारे अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है. सो अगर उस एआई ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाने के पीछे अगर एक डिजाइनर का हाथ है, सो इजंट इट कि हमें भी बनाने के पीछे एक मतलब एक इंटेलिजेंट डिजाइनर का हाथ है? वही बात, अकल से तो यही ना सेंस में आता है. अकल नहीं, आपको कंप्लीट बना हुआ रोबोट मिलता है, राइट? आपको एक खास चीज, आपको हर स्टेज जीरो से नहीं नजर आती कि चीजें टूट रही हैं, फूट रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, हजारों चीजें बनी हुई हैं, रैंडमली कंबाइन कर रही हैं और एक चीज आगे इंटेलिजेंट हो गई. बहुत मेहनत और डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ मिलता है आपको इंटेलिजेंट ये जो है एआई कैसे बनी है. हर चीज प्रूवन है. आपको जो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा सकता है नेचुरल सिलेक्शन को बाय रैंडमनेस. इट इज नॉट गाइडिंग कहाँ से आ रही है? इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? यू कैन सी इट इन द लेबोरेटरी. आपको नेचुरल सिलेक्शन से थिंग्स आर गेटिंग, यू नो, लाइक इवॉल्विंग न्यू ट्रेट्स जो आर हेल्पिंग देम इन देयर सर्वाइवल. इंसानों में नए ट्रेट्स अभी आ रहे हैं, यू कैन सी देम हैपन. इंटेलिजेंस कहां से आप ला रहे हैं? वो इंटेलिजेंस का क्या रोल है? दिस इज व्हाई 90% ऑफ यू नो साइंटिस्ट इन बायोलॉजी बिलीव इन एवोल्यूशन. दे डू नॉट बिलीव इन इंटेलिजेंट डिजाइन. इट इज नॉट साइंस. ठीक है, अपना आगे चलते हैं. अपना हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं सर. ये बात काफी लंबी हो गई है, 15 मिनट हो गए आपके साथ, तो बहुत से लोग पीछे करते हैं. अगले वीक आइएगा, फिर बात करेंगे आपसे. स्केप्टिक तो आया था उस टाइम, मैं सुन रहा था आपको, मगर मैं जरूरी बात ज्वाइन नहीं कर सकता था. उसका मसला ये है कि वो मुझे लगता है वो अजीब भी उसका तमाशा है. वो आपको आगे ये कहता है कि मैं एथियस्ट हूँ और बातें सारी करता है मुल्लों वाली, ठीक है. तो आज उसको ये मसला था कि भाई मैं अगर किसी बंदे ने
किसी लड़की से सेक्स किया और प्रेग्नेंट हो गई और वो अबॉर्शन पे राजी नहीं हो गई, तो मैं क्या करूंगा यार? अगर आपको इतना मसला है ना इन बातों का, पहली तो बात यह है कि भाई आप वेस्ट में रहते नहीं हो जिधर इस तरह के लॉज हैं, ठीक है? तो ये रोना रोना इसका कोई फायदा नहीं है। ये बच्चा हमेशा आके ऐसी बातें करता है, पता नहीं इससे इसके दिमाग में क्या कीड़ा है, तो अभी तक निकला नहीं। मैं तो कहने वाला था भाई तुम सेक्स ना करो जाके। नहीं नहीं, मैं उससे अच्छा मशवरा देने लगा हूं, सेक्स ना करो, जाके जाके करना है ना यार, नसबंदी करा लो यार, फिर जितना मर्जी सेक्स करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपको डर होगा तो लड़की मुझसे प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है? नसबंदी करा लो यार, फिर बी करेजस करा लो नसबंदी। Exactly. और अगर वो वो आपके पास पैसे नहीं है, वो नहीं है करने के लिए, तो आप कंडोम पहन के जर्क ऑफ कर लिया करिए। हाँ नहीं मतलब अगर आपको, क्योंकि भाई दुनिया में कोई भी बर्थ कंट्रोल का तरीका ऐसा नहीं है जो कि 100% सेफ है, ठीक है? कंडोम भी 97% काम करते हैं, 3% नहीं करते। एग्जैक्टली, ठीक है? तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको फिर यही लगता है और इसी एंगल से सोचना है, भाई जिम्मेदारी फिर उस मर्द की भी तो उतनी है ना सेक्स करने में जितनी औरत की है, ठीक है? हाँ अगर वो अबॉर्ट करा लेती है तो ठीक है। मुझे तो ये याद पड़ता है कि ये बच्चा मुझसे ये भी सवाल करके जा चुका है कि अगर कोई औरत बच्चा अबॉर्ट कराने लग जाए और उसका आदमी नहीं चाहता हो, तो जी फिर आदमी के लिए तो बच्चा होना चाहिए ना। मुझे जहां तक याद पड़ता है ये वो भी बात करके जा चुका है। तो पता नहीं इसको क्या मसला है कि ये इस तरह की बातें ही सोचता रहता है सिर्फ और सिर्फ, और कोई लॉजिकल बात इससे सोची नहीं जाती। वही घिसे पिटे कलाम, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और वो भाई जिस बात का सबूत नहीं है ना उसके बारे में आप जितने मर्जी फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट दे दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू रद्दी के टोकरी में डालने के बराबर है असल में, ठीक है? क्योंकि फिलोसफी है क्या भाई, आप जुबानी जमा खर्च से किसी बात को साबित करते हैं सिर्फ जुबान जुबान में, ठीक है? और उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होती नहीं है जब तक आप उसका एविडेंस ना दें। आप चाहे दुनिया भर के ट्रूथ्स डाल के और एक इंटरनली कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट बना के उससे कोई रिजल्ट निकाल भी लेना, ठीक है, फिलोसॉफिकल ट्रूथ दुनिया भर के डाल के, तो जब तक उसका सबूत नहीं होगा ना वो साबित नहीं होगा। साइंस पूरी इस बात पे बेस है कि प्रेमिस ट्रू होते हैं, उनको लेके चलते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी पूरी होती है, रिजल्ट भी निकलते हैं, मगर जब बाद में उनको टेस्ट किया जाता है तो वो जो इंटरनली कंसिस्टेंट प्रॉपरली ट्रू चीजें होती हैं वो एंड पे क्या होती हैं, वो झूठ साबित हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं होता। तो भाई जितनी भी बातें कर लें वो उधर ही पहुंचती हैं, आपके फिलोसॉफिकल ट्रूथ जो है ना उनकी साइंस के दौर में कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी तरह से अपना एविडेंस नहीं देंगे। बाकी आप जो मर्जी बातें करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हमें आज सबूत दें हम आज मान जाएंगे। भाई अगर एक बात सही है सच है तो उसका सबूत क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो भी सच्ची बात होगी उसका सबूत तो मिलना चाहिए।